हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं क्लास 9 के, वो मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। तो आप लोग अगर चाहें तो इसको ध्यान से सुन सकते हैं और हो सके तो आप लोग इसको सीख सकते हैं, मैं इसको समझाऊंगा भी। तो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना भी दूरी तय कर रहा है, कहीं से भी जाए, इधर उधर ऐसे ऐसे करके कहीं से भी जाए, तो जो एक्चुअल पाथ उसके द्वारा फॉलो किया गया था उसी को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये चेंज हो जाता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे कि ये ऐसे करके मैं करके रखा हूँ तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है? तो द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि हम यहाँ से यहाँ गए तो इस बीच में हमारा जो चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट में उसको ही हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। और एक्सीलरेशन क्या होता है? तो एक्सीलरेशन होता है बी माइनस यू बाई टी, इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाई टी। यानी कि हमको कितना टाइम लगा फाइनल डिस्टेंस को माइनस करके इनिशियल डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हमको एक्सीलरेशन मिल